हेलो किड्स इन दिस वीडियो ऑफ आई एम ओ फॉर क्लास सिक्स आई एम गोइंग टू डिस्कस सोल्यूशन ऑफ सेट सी ऑफ टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री तो दिस इज़ नॉट ऑफिशियल ये सोल्यूशन मैंने खुद प्रोवाइड किया है मीन्स कि मेरे अकॉर्डिंगली ये ऑप्शन होने चाहिए एंड थैंक यू टू जसवंत जिसने मुझे ये क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किया तो so स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फ्रॉम द लॉजिकल रीजनिंग इन अ रो ऑफ बॉयज विनीत इज़ फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड एंड रोहित इज़ सिक्स फ्रॉम द राइट एंड वेन दे इंटरचेंज देअ पोजिशंस विनीत बिकम फिथ फ्रॉम द लेफ्ट एंड वॉट विल बी द पोजिशन ऑफ रोहित फ्रॉम द राइट एंड इन न्यू अरेंजमेंट तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो सपोज दिस इज द रो ठीक है दिस दिस इज इज राइट एंड 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 लेफ्ट ठीक नाउ फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है विनीत इज फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट लेफ्ट से वो फिफ्थ है मीनस कि यहां पर है यहां पर कौन है विनीत तो इस साइड कितने स्टूडेंट्स होंगे फोर ठीक नाउ अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है रोहित इज फ्रॉम द राइट कि एस एंड से रोहित सपोज यहां पर बैठा है रोहित एंड इसकी पोजीशन क्या है Sixth. तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर कितने होंगे फाइव कि रोहित से पहले कितने बच्चे होंगे फाइव ठीक है नाउ अब पोजीशंस को इंटरचेंज किया मीन्स विनीत की प्लेस पे रोहित आ गया एंड रोहित की प्लेस पर विनीत आ गया नाउ ठीक है अकॉर्डिंग टू दिस नाउ विनीत बिकम्स फिफ्टींथ फ्रॉम द लेफ्ट साइड मीन्स कि अगर हम इस साइड से देखें तो विनीत जो है ये फिफ्टी पोजिशन पर है डन नाउ अब क्या पूछा है वट विल बी द पोजिशन ऑफ रोहित फ्रॉम द राइट एंड मीन्स कि अब राइट right एंड से रोहित की पोजिशन क्या है ठीक नाउ अगर फिफ्टीन पोजिशन पर विनीत है नाउ और दिस सेट फाइव बच्चे और है मींस कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए ट्वेंटी ठीक है नाउ अब इस पोजिशन पर अगर ये है तो इससे पहले फोर बच्चे माइनस हो गए मीन्स की रोहित की पोजिशन क्या होगी सिक्सटीन विच इज द राइट ऑप्शन बी बी इज द करेक्ट फॉर दिस सेलेक्ट द वन आउट अब इसमें से हमें क्या करना है जो सबसे डिफरेंट हो उसे फाइंड आउट करना है ठीक है नाउ इन दिस केस देखो आप एरो एंड इसके अपोजिट डायरेक्शन में आउटसाइड साइड इन साइड आउट सेम वे इन दिस केस दिस साइड इन साइड टू दिस साइड इन साइड दिस साइड आउटसाइड अपोजिट है बट इन थर्ड केस दोनों ही सेम साइड में ही है मीन्स सी इज द वन आउट ये दोनों अदर्स से डिफरेंट है यू कैन ऑब्जर्व इन दिस केस अपोजिट साइड अपोजिट साइड अपोजिट साइड बट इन दिस सेम साइड मीन्स सी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस सेलेक्ट द इन करेक्ट नंबर इन द गिवन नंबर सीरीज ठीक है नाउ यहां पर टू एंड थर्टीन के बीच में वॉट इज द डिफरेंस इलेवन नाउ थर्टीन एंड सिक्सटी एट के बीच का डिफरेंस क्या है फिफ्टी फाइव मीन्स इलेवन इन टू फाइव

थ्री फोर्टी थ्री होना चाहिए बट यहाँ पर क्या है थ्री फोर्टी फाइव नाव अब हम वेरीफाई कैसे करेंगे यही होना चाहिए तो नाओ अगर मैं इसकी प्लेस पर पुट कर दू थ्री फोर्टी थ्री ठीक है तो वट इज़ द डिफरेंस टू सेवेंटी फाइव नाओ ये जो नंबर है इस नंबर में इस डिफरेंस का फाइव मल्टीपल होगा प्लस करके मीन्स अब हम चेक कर लेते हैं ये हमारा है टू सेवन फाइव मल्टीप्लाइड विथ फाइव विल बी इक्वल टू फाइव फाइव ज ट्वेंटी फाइव की फाइव पावर आई टू फाइव सेवन जैट थर्टी फाइव थर्टी फाइव प्लस टू क्या होगा थर्टी सेवन तो यहाँ आएगा सेवन फिर फाइव टू जैट टेन टेन प्लस थ्री क्या होगा थर्टीन ठीक है एंड प्रीवियस नंबर वॉज थ्री फोर थ्री नाव एड करो फाइव प्लस थ्री एट सेवन प्लस फोर इलेवन की वन पावर आई वन वन थ्री थ्री सेवन एंड वन तो नाउ यू कैन ऑब्जर्व ये हमारा इसके साथ मैच कर गया मीन्स कि विच नंबर इज़ रॉन्ग थ्री फोर्टी फाइव ये नहीं होना चाहिए था इसकी जगह पे थ्री फोर्टी थ्री होना चाहिए था तो विच ऑप्शन इज़ करेक्ट Three, four, five. इन सर्टेन कोड लैंग्वेज डॉक्टर इज कोडेड एज डॉक्टर है डी ओ सी टी ओ आर इसको क्या कोड किया डी को लिखा ई e, ओ को लिखा क्यू सी को लिखा एफ टी को लिखा यू ओ को लिखा क्यू और आर को लिखा यू ठीक है देखो दो तरीके हैं एक तो तरीका है अगर आप डिफरेंस देखो डी के जस्ट बाद क्या आता है ई ठीक है इनको टू पार्टीशन में कर लो टी के जस्ट बाद क्या आता है यू एस टी यू ठीक है बाद क्या के तो यहाँ इसी तरीके से यहाँ पर आर के बाद एस देन टी और यू ठीक है एक तो तरीका ये हो गया बट इट विल टेक टाइम इससे भी इजी क्या है यहाँ पर डी था तो डी को हमने क्या लिखा ई e. मीन्स यहाँ डांसर में भी डी है तो इट शुड बी ई और यू कैन चेक कि यहाँ पे हमारे जो चार ऑप्शन हैं इसमें से सिंगल ऑप्शन जो है सी उसमें ई e यूज हुआ मीन्स की सी इज द राइट आंसर ठीक है नाउ

ठीक है साक्षी वॉक्स टेन मीटर टूवर्ड साउथ मीनस की साक्षी यहाँ थी वो साउथ की तरफ आई और ये डिस्टेंस क्या थी थे? टेन ठीक है देन शी टर्न्स लेफ्ट नाउ अगर साक्षी यहाँ पर खड़ी है तो उसका लेफ्ट साइड किस साइड होगा उसका लेफ्ट होगा इस साइड और राइट right होगा दिस साइड तो देन शी टर्न लेफ्ट एंड वॉक फिफ्टीन मीटर नाउ फिफ्टीन मीटर वॉक किया उसने ठीक है नाउ अगेन शी टेक अ राइट नाउ उसकी फेसिंग किधर है ईस्ट की तरफ है तो नाउ अगर वो राइट right लेती है तो मीन्स की वो डाउनवर्ड आएगी एंड टर्न राइट टर्न एंड वॉक ट्वेंटी खड़ी है तो उसका right राइट डायरेक्शन होगा this side. This side, कितना किया उसने ठीक है. हाउ शी नाउ फ्रॉम दिस हर स्टार्टिंग स्टार्टिंग था एंड टाइम यहां पर है तो वट इज द डिस्टेंस टेन यहां से हो गई ट्वेंटी यहां से हो गई तो टोटल हो गई टेन प्लस ट्वेंटी फाइव नाउ ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिसंबर फॉर्म इन दिवन फिगर ठीक है तो सबसे पहले तो जो स्क्वास में दिख रहे हैं वो काउंट कर लेते हैं ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवन एन एटीन तो ये हो गए ठीक है नाउ इसके अलावा वन टू ठीक है प्लस टू ये हो गए नाउ वन टू थ्री फोर प्लस फोर ये हो गए नाउ वन टू प्लस टू ये हो गए हमारे टोटल कितने हो गए ट्वेंटी सिक्स अगर हम इन सब की सिर्फ इंटरनल वाले की बात करें तो देखो ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फाइव एंड मोर देन ट्वेंटी फाइव तो D is the right option more than 25. Which of the following option will complete the pattern in the figure? ठीक है तो so now अगर आप carefully observe करो तो ये वर्टिकल थी तो दिस साइड भी वर्टिकल है तो दिस साइड हॉरिजेंटल है means कि ये भी हॉरिजेंटल होगी ठीक है एंड लाइन इसकी कुछ ऐसी सी होगी तो मैच कर लेते हैं विच ऑप्शन इज मैच विद दिस तो now ये देखो आप और यहाँ पे देखो आइदर दिस वन और दिस वन ठीक है आइदर डी और ए बट अगर हम डी में देखें तो ये वर्टिकल है बट यहाँ पे क्या होनी चाहिए हॉरिजेंटल मीन्स ए इज़ द राइट ऑप्शन थ्री डिफरेंट पोजिशन ऑफ अ डाइस आर सोन बिलो विच नंबर इज ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस हैविंग नंबर फाइव तो हमें बताना है कि फाइव के अपोजिट में क्या होगा तो सबसे पहले तो हम इसको अगर एक्सपेंड करें सपोज सिक्स यहाँ पर हमारा सेंटर में है इसके एक साइड थ्री है और एक साइड वन है ठीक है नाउ यहाँ पर भी सिक्स सेंटर में है और उसके एक साइड क्या है फाइव है एंड अदर साइड क्या है फोर है ठीक है नाउ यहाँ पर अगर आप देखो थ्री थ्री के वन साइड वन है मीन्स कि दिस इज करेक्ट वन होना चाहिए और दूसरी साइड टू मीन्स कि सिक्स के अपोजिट में टू होगा एंड फाइव के अपोजिट में क्या होगा थ्री मीन्स कि सी इज़ द राइट ऑप्शन ठीक है इफ़ यू हैव एनी डाउट और आपके पास कुछ और आंसर है तो प्लीज़ राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन स्क्वायर ट्रांसपेरेंट शीट विथ अ पैटर्न एंड अ डॉटेड लाइन ऑन इट इज गिवेन सेलेक्ट अ फिगर फ्रॉम द ऑप्शन एज टू हाउ द पैटर्न वुड अपीयर वेन द ट्रांसपेरेंट शीट इज फोल्डेड अलॉन्ग द डॉटेड लाइन ठीक है मीन्स की ये जो लाइन है अगर हम इसको फोल्ड कर दें तो वट इज द पिक्चर ठीक okay, है सिंपल है दिस ट्राइंगल जो है जस्ट अपोजिट है मींस कि अगर हम फोल्ड करेंगे तो ट्रैंगल के अंदर ट्राइंगल फिट हो जाएगा एंड इस रेक्ट्रेंगल के अंदर डॉट डॉट फिट हो जाएगा तो मीन्स ऑप्शन देख लेते हैं तो नाउ यू कैन ऑब्जर्व कि यहां तो अपोजिट हो गया तो ये भी नहीं इसकी पोजिशन चेंज हो गई ये भी नहीं तो ए इज द राइट ऑप्शन क्वेश्चन इज फाइंड द द मिसिंग नंबर इफ सर्टेन रूल इज फॉलोड रो वाइज वाइज और कॉलम ठीक है तो हमें मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वो फाइंड आउट करना होगा जो रिलेशन जो कंप्लीट रोज है उसमें है ठीक है रोज और कॉलम कहीं भी कर सकते हो नाउ यू कैन सी वट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइव एंड एट एट माइनस फाइव इज इक्वल टू थ्री एंड थ्री इन थ्री इज नाइन ठीक है तो दिस इज द रिलेशन नाउ नेक्स्ट में देखते हैं फिफ्टीन माइनस टेन इज इक्वल टू फाइव एंड फाइव मल्टीप्लाइड विद फाइव इज ट्वेंटी पैटर्न फॉलो हो रहा है तो यही यही यहाँ पर भी होगा सेवनटीन माइनस सेवन विल बी टेन एंड टेन मल्टीप्लाइड टू हंड्रेड तो विच ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन बी इज राइट फॉर दिस वन पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ मायरा सेज ही इज द ओनली सन ऑफ ओनली ब्रदर ऑफ माई मदर मीन्स जो मायरा की मदर है उनका एक ही भाई है और उनका ये बेटा है हाउ ज द पर्सन इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू माइरा ब्रदर मीन अंकल ऑफ माइरा एंड अंकल का जो बेटा होगा ही दजिन ऑफ माइरा मीन ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस ऑल द डिजिट आर रिमूव फ्रॉम द गि अरेजमेंट दैन विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ फिफ्थ एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड मीन्स की अगर हम सारे नंबर्स को रिमूव कर दें फिर उसके बाद हमें बताना है कि राइट right एंड से जो फिफ्थ एलिमेंट है उसके लेफ्ट में जो थर्ड एलिमेंट है वो क्या है ठीक है चलो हम करते हैं नाउ अब हम नंबर्स को रिमूव करते हैं तो सबसे पहले सेवन जाएगा देन फाइव जाएगा देन थ्री देन टू देन आई थिंक दिस इज वन अब हमें देखना है फिफ्थ फ्रॉम द राइट वन टू थ्री फोर फाइव अब इसके लेफ्ट में थर्ड वन टू थ्री मीन्स की जे जे इज द राइट ऑप्शन बी इन दें डाय स्क्वायर रिप्रेजेंट द स्टूडेंट हुई मीन की ये हो गया साइंस स्क्वायर का मीन हो गया साइंस रेक्टेंगल रिप्रेजेंट द स्टूडेंट हुई मैथमेटिक्स क्लियर है दिस इज फॉर मैथ्स एंड ट्राइंगल रीप्रेजेंट द स्टूडेंट हू लाइक इंग्लिश ट्राइंगल हो गया इंग्लिश विच नंबर रीप्रेजेंट द स्टूडेंट हुई इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स बट नॉट साइंस मीन्स की स्क्वायर में जो बच्चा नहीं होगा बट ट्राएंगल एंड रेक्ट एगल बोथ में होगा क्लियर है वो क्या है इंग्लिश और मैथ्स को पसंद करता है स्क्वायर साइंस के लिए था तो ऐसा बच्चा है? एक ही है दैट इज दिस वन तो ये हो गया कि ये ट्रा में भी है एंड रेक्टेंगल रेक्टेंगल में मींस कि वन स्टूडेंट जो कि इंग्लिश और मैथमेटिक्स पसंद करता है बट नॉट साइंस तो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस सेलेक्ट द करेक्ट वाटर इमेज ऑफ द गिवन वर्ड सबसे पहले वाटर इमेज जब भी होती है हम यहां पर लेते हैं मिरर इमेज होती है हम यहां लेते हैं ठीक है मिरर इमेज वाटर इमेज है मीन्स की पोजिशंस तो यही रहेगी बस अपोजिट हो जाएगी मीन्स की ये जो एफ है ये टर्न हो जाएगा मीन्स की लाइक दिस तो नाउ अगर हम सिर्फ पहले एलिमेंट

दिस ठीक है तो बी इज द राइट ऑप्शन है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज वट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ ए सो दैट टू थ्रीबल थर्टी सिक्स थाउजेंड ए हंड्रेड सिक्स इज डिजिबल बाई थ्री प्रॉपर्टी ऑफ थ्री क्या होती है कि जो भी नंबर है अगर उसकी सारी डिजिट्स का सम करें इफ दैट इज मल्टीपल ऑफ थ्री मीन्स की दैट कैन बी डिवाइडेड बाई थ्री तो नाउ हम चेक करते हैं अगर हमने किया टू प्लस 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 थ्री 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 सिक्स सिक्स ए इट शुड बी ऑफ तो चेक करें टू प्लस थ्री फाइव फाइव प्लस सिक्स इलेवन इलेवन सिक्स सेवनटीन सेवनटीन प्लस थ्री सेवनटीन प्लस थ्री विल बी ट्वेंटी ट्वेंटी प्लस ए तो अब यहाँ पे पूछा है स्मॉलेस्ट वैल्यू स्मॉलेस्ट इसमें हम क्या एड करेंगे वन Twenty plus one is equal to twenty-one. This is the multiple of three. Seven into three means ki one is the right option for this. Now, next question is what is the difference between the successor of the greatest four-digit number and predecessors of the smallest four-digit number? First of all, greatest four-digit number is nine 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 nine, and its successor will one means one zero 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 zero. Okay. Now स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर इज वन जीरो 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 एंड इसका प्रोड्यूसर्स क्या होगा माइनस वन माइनस वन किया तो वी गेट नाइन 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 नाउ व्हाट इज द डिफरेंस मींस कि हमें क्या करना है डिफरेंस लेना है इन दोनों का तो हम डिफरेंस ले लेते हैं यहाँ पे माइनस करेंगे नाइन 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 को टेन थाउजेंड से तो जीरो से वन जाएगा नहीं बोरो करेगा तो वी गेट वन यहाँ पर क्या होगा जीरो जीरो नाइन मीन्स डी इज द राइट ऑप्शन

प्लस फोर इंटू थ्री इज ट्वेल्व ट्वेल्व प्लस थ्री इज फिफ्टीन फिफ्टीन बाई फोर वॉट इज द एल्सियम एल्सियम बी ट्वेल्व ओके ट्वेल्व यहाँ क्या आएगा ट्वेंटी फोर की टेबल में ट्वेल्व फोर से हमने ट्वेल्व को डिवाइड तो किया तो क्या थ्री थ्री इंटू फिफ्टीन क्या होगा फोर्टी फाइव दोनों को ऐड किया तो वी गेट फाइव प्लस फाइव प्लस क्या होगा फोर्टीन की फोर पावर आई वन फोर प्लस टू प्लस वन इज सेवेंटी फोर बाई है मीन्स की सम ऑफ दीज फ्रैक्शंस विल बी इक्वल टू सेवेंटी फोर बाई ट्वेल्व ठीक है नाउ अब हम सेकेंड वाला पोर्शन करते हैं इन सेकेंड पोर्शन हमें सम चाहिए सेवन होल थ्री वन बाई थ्री थ्री इंटू सेवन ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन प्लस वन इज ट्वेंटी टू बाई थ्री प्लस यहाँ क्या है सिक्स इंटू फोर ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर प्लस वन ट्वेंटी फाइव बाई सिक्स वॉट इज द एल्सियम सिक्स थ्री टू जिक्स होता है टू 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 इंटू ट्वेंटी टू क्या होगा

इस वैल्यू से हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है यहाँ बेस सिक्स है तो हम इसको भी बेस सिक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं अगर हमने टू से डिवाइड किया न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ में तो हमें क्या मिलेगा थ्री सेवन डिवाइडेड बाई सिक्स ठीक है नाउ अब हम लेते हैं नेक्स्ट स्टेप मीन्स की सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्ट हमें करना है सिक्सटी नाइन बाई सिक्स माइनस थर्टी सेवन बाई सिक्स क्लियर है विल बी सिक्स नाओ सॉल्व करते हैं यहाँ क्या आएगा सिक्सटी नाइन माइनस थर्टी सेवन इज इक्वल टू नाइन में से सेवन माइनस किया टू सिक्स से थ्री माइनस किया थ्री डिवाइडेड बाई सिक्स नाव हमारा कोई भी बेस थ्री आंसर जो आप देखोगे ऑप्शन किसी में भी हमारा सिक्स नहीं है मीन्स कि हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे तो हम इसको टू की टेबल से डिवाइड करते हैं टू की टेबल से डिवाइड किया तो हमें यहाँ क्या मिलेगा वन और यहाँ क्या मिलेगा सिक्स और यहाँ क्या मिलेगा हमें थ्री नाव थ्री से अगर हम डिवाइड करें तो थ्री फाइव ज फिफ्टीन और वट इज द रिमाइंडर remainder will be 1 divided by 3 okay means ki 5 4 1 by 3 option a is correct for this now next question is a school's football team was bikes every sunday for a month टू रेज मनी फॉर द लोकल चिल्ड्रॉस्पिटल एक फुटबॉल टीम है स्कूल की वो क्या करती है हर संडे को बाइक दो क्यों दो ताकि लोकल हॉस्पिटल के जो बच्चे हैं उनके लिए मनी को रेज कर सके ठीक है द स्टूडेंट चार्ज रूपी हंड्रेड फॉर ईच बाइक एवरी बाइक की वॉश के लिए वो कितना चार्ज करते हैं हंड्रेड दिक्टोग्राफ विलो शोज द टोटल नंबर ऑफ बाइक्स वॉस्ड बाई द टीम्स तो ये पिक्टोग्राफ क्या शो करता है कितनी बाइक्स को वॉश किया गया ना वट इज द क्वेश्चन वट इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी रेज बाई द फुटबॉल टीम तो हमें टोटल अमाउंट बताना है मीन्स कि हम टोटल बाइक्स को सम करेंगे तो टोटल बाइक्स कितनी है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व ट्वेल्व ये सिंबल्स हो गए एंड ईच की मल्टीप्लाई करेंगे 15. जब हमने 15 से मल्टीप्लाई 30, 30 वो हंड्रेड रुपीज चार्ज करते थे 180 के लिए कितना चार्ज करेंगे मल्टीप्लाई विट हंड्रेड वी गेट वन एट जीरो मीन एटीन थाउजेंड नाव ऑप्शन देख लेते हैं हम एंड सी ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अगल क्लोज फिगर क्लोज फिगर मीन्स की जो पूरा का पूरा क्लोज हो दिस वन इज नॉट क्लोज मीन्स डी इज द राइट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन हाउ मनी राइट एंगल्स विल यू मेक इफ यू फेस साउथ एंड टर्न क्लॉक वाइज टू ईस्ट मीन्स की दिस इज द एंगल ये साउथ है ये वेस्ट नॉर्थ ईस्ट ठीक है फेसिंग हमारी यहाँ है हमें ईस्ट में जाना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन वन टू थ्री थ्री राइट एंगल्स मीन्स बी इज द राइट ऑप्शन नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज रोह इज एट माइनस थर्टी ऑन द नंबर लाइन दिस इज नंबर लाइन ओके यहाँ जीरो है वो कहाँ है माइनस थर्टीन पर डन ठीक है इफ ही मूव एट इंटीज राइट राइट मूव करेगा मीन्स की दिस डायरेक्शन ऑन द नंबर लाइन देन वेयर विल बी रीच ऑन द नंबर लाइन ठीक है अब वो कितने मूव किया कि इधर minus, plus होता जाएगा तो तो ठीक है है होगा दिस इज डन ये तो हंड्रेड परसेंट श्योर है नाउ अब साइन किसका आएगा जो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर है मीन्स की थर्टीन तो माइनस फाइव मीन्स डी इज द राइट ऑप्शन क्वेश्चन इज हाउ मेनी कंपोजिट नंबर्स आर देयर बिटवीन फिफ्टी एंड सेवेंटी फाइव तो हमें क्या बताना है कि फिफ्टी टू सेवेंटी फाइव के बीच में कितने कंपोजिट नंबर होंगे इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि वॉट इज कंपोजिट नंबर कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो कि टू पॉजिटिव नंबर का प्रोडक्ट होते हैं तो फिफ्टी के बाद जो आएगा फर्स्ट कंपोजिट नंबर दैट इज फिफ्टी वन देन फिफ्टी टू देन फिफ्टी फोर देन फिफ्टी फाइव देन फिफ्टी सिक्स देन फिफ्टी सेवन देन फिफ्टी एट देन सिक्सटी देन सिक्सटी टू

तो हम किसके साथ जाएंगे? टोटल फॉर्म इन द गिवन फिगर ऑप्शन क्या है फाइव थ्री फोर और मोर देन फाइव तो नाउ यू कैन सी फर्स्ट एंगल सेकेंड थर्ड फोर्थ चार एंगल तो यही हो गए फिफ्थ एंगल दिस वन सिक्स एंगल दिस वन ंगल्स हो ही गया ऑप्शन क्या होगा इसका डीज साइड ऑफेंगल इज ट्वेंटी इज न्यूमैलिकली हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर तो फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर विल बी टू एटीन मल्टीप्लाइडी फोर नाउ perimeter ऑफ rectangle perimeter ऑफ rectangle अकॉर्डिंग द क्वेश्चन विल बी इक्वल टू थ्री ट्वेंटी फोर डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू वन सिक्स टू दिस ठीक है नाउ अब ये हमें पैरीमीटर मिल गया एंड इसकी हमें फाइंड आउट क्या करना है फाइंड द लेंथ हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है ठीक है थीके? तो नाउ पैरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 162 सिक्सटी टू इज इक्वल टू टू इन एल प्लस बी ठीक है तो फ्रॉम दिस एल प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी एल प्लस बी विल बी इक्वल टू वन सिक्सटी टू डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू एट्टी वन नाउ एल विल बीवल टू एट्टी वन माइनस बी एट्टी वन माइनस बी की वैल्यू क्या है ट्वेंटी नाइन माइनस कर दिया इलेवन से नाइन जाएंगे टू सेवन से टू जाएगा फाइव फिफ्टी टू मीटर मीन्स डी इज द राइट ऑप्शन दिस इज नॉट एक्सैक्टली विजिबल तो मैं इसको तो नहीं सॉल्व कर पाऊंगी मगर मैं आपको बता देती हूँ आप इसमें क्या करना लास्ट नील की पोजिशन को और कहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो वाली पोजिशन को माइनस कर देना तो यू गेट द आंसर पिक्चर इज नॉट क्लियर बट स्टिल करते हैं व्हाट इज द रेशियो ऑफ द अनशेडेड एरिया टू द शेडेड एरिया इन द गिवन फिगर मींस कि हमें क्या बताना है व्हाट इज द रेशियो ऑफ अनशेडेड एरिया डिवाइडेड बाय शेडेड एरिया तो सबसे पहले तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं इन ईच कॉलम वन टू थ्री फोर है मीन्स कि टोटल कॉलम्स कितने हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स मीन्स कि यहाँ पे टोटल हैं ट्वेंटी स्क्वायर्स ठीक नाउ अब हम शेडेड को काउंट कर लिया या अनशेडेड को काउंट कर ले इट्स अप टू यू तो मैं शेडेड को काउंट कर लेती हूँ यहाँ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ठीक है सिक्स और ये दोनों मिला के सेवन ये दोनों मिला के एट और ये दोनों मिला के नाइन ठीक है नाइन गए शेडेड तो अनशेडेड क्या होंगे ट्वेंटी फोर माइनस नाइन मीन्स की दिस विल बी फिफ्टीन ठीक है नाउ अब हमें रेशियो चाहिए अनशेडेड टू शेडेड मीन्स की फिफ्टीन डिवाइडेड बाई नाइन अब इसको फाइव की टेबल से थ्री से डिवाइड करें तो यहाँ क्या थ्री रेशियो इज फाइव इज टू थ्री ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिसंबर ऑफ मैच स्टिक्स यूज इन दैटर्न थर्टी सेवन नाउ हमें रिलेशन देखना होगा दिस इज पैटर्न वन एंड मैच स्टिक्स इज थ्री मीन्स की नाउ अगर हम देखें पैटर्न वन है तो इसमें मैच स्टिक्स कितनी यूज हुई थ्री पैटर्न टू है मैच स्टिक्स कितनी यूज हुई सेवन वन टू थ्री सॉरी नाउ यहाँ मैच स्टिक्स इज थ्री नंबर टू पैटर्न इज टू नंबर ऑफ मैच स्टिक्स इज फाइव इन पैटर्न नंबर थ्री नंबर ऑफ मैच स्टिक्स इज सेवन नाउ व्हाट इज द रिलेशनशिप मींस कि अगर हम यहाँ देखें तो क्या बनता है वन इंटू टू प्लस वन हो जाएगा थ्री सेम वे यहां पर क्या होगा टू इंटू टू प्लस वन ठीक है नंबर मल्टीप्लाइड विथ टू प्लस वन ठीक में ऑब्जर्व करो ये फोर्थ है मीन्स फोर इंटू टू प्लस वन इक्वल टू नाइन

थाउजेंड थ्री हंड्रेड फोर्टी टू लेस देन द न्यू नंबर फॉम्ड एस चलो पहले हम इंटरचेंज करते हैं टू है एट है नाइन था तो हम क्या लिखेंगे सिक्स फोर टू थ्री सिक्स था तो क्या लिखेंगे नाइन अब इससे हमें माइनस क्या करना है वन थ्री फोर टू को माइनस करते हैं नाइन से टू गया सेवन थ्री से फोर जाएगा नहीं वैसे यू कैन सी देयर इज सिंगल ऑप्शन जिसमें सेवन है मींस ए इज द राइट ऑप्शन स्टिल हम पूरा कर लेते हैं थर्टीन से फोर माइनस किया नाइन इसने बोरो दे दिया था तो वन बचा था नाउ। इलेवन से थ्री गया तो एट इसने बोरो दे दिया तो थ्री थ्री से वन गया टू सिक्स एट टू तो यू कैन मैच दिस आंसर विद ए इज द राइट ऑप्शन नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इक्वल इन फैक्शन ऑफ सेवनटीन डिवाइडेड बाई नाइनटीन इस तरह के क्वेश्चन को तो बहुत केयरफुल आपने रीड करना है यहां पूछा है कि कौन इक्वल नहीं है तो हमें इनको सिंप्लीफाई करना होगा अगर हम इसे सिंपलीफाई करें तो फर्स्ट वाले को हम किससे डिवाइड करें कि सेवनटीन आए अगर हमने इसको सेवन से डिवाइड किया तो इट बिकम्स सेवनटीन सेवन वन जावनटीन रिमाइंडर इज फोर फोर और नाइन फोर्टी नाइन सेवन सेवन जा फोर्टी नाइन बट हमें डिनोमिनेटर को भी सेवन से डिवाइड करना होगा अगर हम इसको सेवन से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या आएगा सेवन टू जा ट्वेंटी फोर मीन्स कि यहाँ टू आएगा रिमाइंडर क्या होगा थ्री थ्री एंड एट थर्टी एट तो ये पॉसिबल नहीं है ये सिंप्लीफाई नहीं होगा मीन्स दिस इज द राइट ऑप्शन अदर्स को मैच कर लेते हैं ठीक है अदर के केस में देखें आप फर्स्ट जो है हमारा इसको हम करते हैं सबसे पहले अगर हमने इसको नाइन से डिवाइड किया ठीक है बोथ ऊपर भी नाइन से तो नाइन वन फिफ्टी थ्री है ना नाइन से डिवाइड करें नाइन वन जै नाइन यहाँ नाइन लिखा सिक्सटी थ्री मीन्स कि हमें क्या मिल गया सेवनटीन सेम वे अब अगर हम 171 से वन सेवन वन को नाइन से डिवाइड करें नाइन वन या नाइन यहां क्या होगा एट्टी वन मीन्स नाइनटीन दिस इज इक्वी वैलेंट मीन्स कि दिस इज करेक्ट हमें रॉन्ग चाहिए था तो दिस इज रॉन्ग ए इज द राइट ऑप्शन रिमेनिंग को भी चेक कर लेते हैं अब इसको हम ऐट से डिवाइड करें तो एट वन जै एट वॉट इज रिमाइंडर फाइव एंड सिक्स फिफ्टी सिक्स एट सेवन फिफ्टी सिक्स नीचे भी हम ऐट से डिवाइड करें तो एट वन जै एट वॉट इज रिमाइंडर सेवन सेवेंटी टू तो ये भी सेवनटीन बाई नाइन हो नाइनटीन हो गया ये भी करेक्ट है नेक्स्ट चेक करके देख लेते हैं इसको अगर हम सिक्स से डिवाइड करें सिक्स वन जै सिक्स एंड फोर्टी टू तो ये सेवनटीन हो जाएगा सिक्स सेवन जै फोर्टी टू सेम वे अगर हमने नीचे सिक्स से डिवाइड किया इसे तो सिक्स वन जा सिक्स

ठीक है आपके पास पेपर होगा मैच कर लेना ठीक है अगर हमने वन वन फाइव को ट्वेंटी थ्री से डिवाइड किया फाइव माइनस सेवनटीन को थ्री से मल्टीप्लाई किया फिफ्टी वन प्लस फोर्टी एट से ट्वेंटी को माइनस किया ट्वेंटी एट नाउ ट्वेंटी एट प्लस फाइव क्या होगा थर्टी थ्री थर्टी थ्री माइनस फिफ्टी वन मीन सब्ट्रैक्ट करना है फिफ्टी वन बड़ा नंबर है तो इलेवन से थ्री गए एट फोर से थ्री गए वन माइनस किसका आएगा 51 का मींस माइनस एटीन ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस अ कंटेनर कैन होल्ड 18 होल 5 बाई सेवन लीटर्स ऑफ मस्टर्ड ऑयल हाउ मच क्वांटिटी ऑफ मस्टर्ड ऑयल कैन बी होल्ड इन 14 सच कंटेनर्स तो हमें बताना है कि एक कंटेनर में इतना मस्टर्ड ऑयल आता है अगर हम 14 कंटेनर्स देंगे तो कितना आएगा तो सिंपल है इसको हम पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो दिस इज डिटेन 18 होल 5 बाई सेवन एटीन सेवन को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलता है 126 ठीक है ठीक है एंड 126 में 5 ऐड किया तो वी गेट वीथ वन

रेगुलर हेक्सागन हमें हेक्सागन का पैरिमीटर फाइंड आउट करना है दिस साइड टू दिस साइड टू तो ऑब्वियसली टू ऑल टू की पैरिमीटर हो जाएगा सिक्स साइड मल्टीप्लाइड विद साइस मीन्स टू तो ये होगा ट्वेल्व सेंटीमीटर मीन्स विच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस वट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर दैट मस्ट बी शेड सो दैट द लाइन एक्स वाई बिकम्स द लाइन ऑफ सिमेट्री ठीक है मीन्स कि जितने शेडेड पोर्शन इस साइड होंगे उतने ही इस साइड होने चाहिए ठीक है चलो चेक करते हैं तो लाओ लाइन ऑफ सिमेट्री जब हमने ड्रॉ की तो ये यहाँ पे सेम है यहाँ पर भी सेम है बट दिस साइड ये यह यहाँ है यहां है तो दिस शुड बी शेडेड ठीक है ये हमारा शेडेड होना चाहिए क्लियर है तब ये सिमेट्रिक होगा सेम वे ये शेडेड है तो दिस शुड बी शेडेड ठीक है ये भी होना चाहिए, ठीक है? जब ये शेडेड होगा तो इसके साथ सिमेट्री तो तो इस, मीन्स की कितने चाहिए वन टू थ्री फोर फोर चाहिए ऑप्शन देख लेते हैं हमारे ऑप्शन हमारे थ्री है तो थ्री से तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है हमें तो हमारा ऑप्शन मेरे हिसाब से ऑप्शन फोर ही जाएगा बाकी आप अपना भी सजेस्ट कर a whole number is added to 50 and the same number is subtracted from 50 find the sum of the resulting number suppose this whole number is x तो अगर हमने 50 के साथ x को ऐड किया फिर x फिर हमने सेम नंबर को सबट्रैक्ट किया फ्रॉम 50 मींस कि 50 x नाउ इनका समेशन क्या होगा प्लस किया x और x दोनों अपोजिट साइन के हैं तो ये जीरो हो जाएगा 50 50 क्या हो जाएगा 100 मींस आंसर इज 100 ठीक है तो d is the right option और थर्ड पार्ट इज मैथ एवरीडे मैथमेटिक्स स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन इज इन एन इंटरनेशनल क्रिकेट मैच इंडियन क्रिकेट टीम स्कोर 375 हंड्रेड रोहित शर्मा स्कोर 165 हंड्रेड व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर इज बाय द अदर टीम मेंबर अब रोहित शर्मा ने ही वन रन बना लिए तो रिमेनिंग कितने रिमेनिंग प्लेयर्स ने क्या बनाया थ्री सेवेंटी फाइव माइनस 165 सब्ट्रैक्ट किया तो 0 7 से 6 गया 1 3 से 1 गया 2 तो 210 हमारे रिमेनिंग प्लेयर्स ने बनाया अब हमें जो फ्रैक्शन बताना है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल रन इज स्कोर्ड बाय द अदर टीम मेंबर तो इसमें क्या हो जाएगा 210 डिवाइडेड बाय टोटल स्कोर 375 अब इसको सिंपलीफाई करें तो सबसे पहले हम इसको 5 की टेबल से डिवाइड करें तो यहां आएगा 4 5 4 20 एंड 5 2 10 फाइव सेवन जर्टी फाइव एंड फाइव फाइव जी फाइव अब इसको और सिंप्लीफाई करें तो थ्री के टेबल से करते हैं तो थ्री वन जी एंड थ्री फोर जवेल्व सेम वे थ्री टू जिक्स एंड थ्री फाइव जिफ्टीन फोर्टीन बाई ट्वेंटी फाइव मीन्स बी इज द राइट ऑप्शन इज थ्री ब्रदर्स ए बी एंड सी डिपॉजिटेड दिस अमाउंट इन अ बैंक ए एंड बी Deposited equal amount of money अमाउंट ऑफ मनी डिपॉजिटेड बाई बी तो माइनस कर लेते हैं नाइन एट सेवन सेवन नाइन सेवन सी का अमाउंट क्या है टू सिक्स थ्री माइनस करते हैं सेवन से थ्री माइनस किया फोर नाइन से सिक्स माइनस किया थ्री सेवन से टू फाइव सेवन से फाइव टू एट से सेवन वन नाइन से थ्री सिक्स ठीक है तो ये तो है दोनों का और दोनों इक्वल है तो डिवाइड बाई टू कर देते हैं टू की टेबल से डिवाइड किया तो टू थ्री जा सिक्स वन जाएगा नहीं तो जीरो टू सिक्स जा ट्वेल्व टू टू जा फोर वन एंड थ्री से थर्टीन तो टू सिक्स जा ट्वेल्व वन एंड फोर से सेवनटीन तो टू सेवन जा फोर्टीन थ्री जीरो सिक्स टू सिक्स सेवन मीन्स ए इज द राइट ऑप्शन

टेन से फाइव जाएगा टू जाएगा फोर नाइन से फाइव जाएगा सॉरी नाइन से फोर माइनस किया फाइव फाइव से टू माइनस किया थ्री टू से वन किया वन वन हंड्रेड थर्टी फाइव पॉइंट फोर फाइव के जी मीन्स बी इज द राइट ऑप्शन नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज थ्री बेल्स टोल एट एन इंटरवल इफ ऑल थ्री बॉल्स टोल टूगेदर एट सेवन थर्टी ए एम देन दे दे टोल टूगेदर अगेन तो इन दिस केस सिंपल हमें क्या करना है इनका हमें एच सी एफ लेना है एच सी एफ लेंगे तो हमने सबसे पहले मैं डिविजन वाला मैथड कर रही हूँ थर्टी सिक्स को अगर हम ट्वेंटी फोर से डिवाइड करें तो वन टाइम में जाएगा वॉट इज द रिमाइंडर ट्वेल्व ट्वेल्व से हमने ट्वेंटी फोर को डिवाइड किया तो होली डिवाइड हो जाएगा टू टाइम्स में ठीक है मीन्स की थर्टी सिक्स इन ट्वेंटी फोर का जो एच सी एफ है दैट इज ट्वेल्व नाउ ट्वेल्व से हम फिफ्टीन को करके देखते हैं 12 से 15 को डिवाइड किया वन टाइम में ट्वेल्व द रिमाइंडर थ्री थ्री से ट्वेल्व को डिवाइड किया फोर टाइम्स में एंड कंप्लीटली डिवाइड मीन्स थ्री इज द एच सी एफ तो पहले क्या था सेवन थर्टी फाइव तो अब हमारा क्या हो जाएगा सेवन थर्टी फाइव प्लस जीरो थ्री इसमें हम थ्री को ऐड कर देंगे तो इट बिकम्स सेवन थ्री एट क्योंकि थ्री सेकेंड एट अप यहाँ पे टाइमिंग क्या थी एम की थी तो यहां पर भी क्या आएगा ए एम आएगा मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस नाउ क्वेश्चन नंबर द पॉकेट मनी ऑफ सोनी इज लेस देन द हर ब्रदर देस की सोनी की जो पॉकेट मनी है दैट इज टेन लेस मीन्स की सेम की पॉकेट मनी माइनस टेन ठीक है इफ द पॉकेट मनी ऑफ सोनी इज की रुपन् एंड देन फाइंड द पॉकेट मनी ऑफ सेम एम इज इक्वल टू सेम माइनस टेन और अगर हमें सेम की चाहिए तो हम इसको अपोजिट साइड ले जाएंगे तो दैट बिकम्स एम प्लस

इज इक्वल टू है फिफ्टीन हंड्रेड डिवाइडेड बाई फाइव इज इक्वल टू थ्री हंड्रेड बिकॉज ये तो फाइव राउंड में थी ना फिफ्टीन हंड्रेड नाउ अब पैरिमीटर का फॉर्मूला क्या होता है टू इन टू एल प्लस बी एंड एकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लेंथ ऑफ द ग्राउंड इज टू टाइम्स द ब्रेड मीन्स की इफ बी है ठीक है बी इसकी ब्रेथ है तो लेंथ क्या हो जाएगी इसकी टू टाइम्स मीन्स की बी प्लस बी इज इक्वल टू टू बी एंड नाउ अगर हम वैल्यू को पुट करें तो इट बिकम्स टू टू बी प्लस बी इज इक्वल टू थ्री हंड्रेड ना वी कैन राइट इट टू को अपोजिट साइड ले जाएं B को B के साथ जाए ब्रेथ तो क्या हो जाएगी वन फिफ्टी डिवाइडेड बाई थ्री इज इक्वल टू फिफ्टी और पूछा क्या है length? तो length इसकी जस्ट डबल होगी मीन्स फिफ्टी इन टू टू इज इक्वल टू हंड्रेड मीन्स बी इज द राइट ऑप्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन बोटल पी टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन बोटल पी का जो वॉल्यूम है राजीव ड्रेंड फोर्टी मिली लीटर पी एंडियो बिकम्स थर्टीन इज टू ट्वेंटी हाउ मच वाटर वॉज देयर इन बोटल पी एट फर्स्ट तो नाउ अब उसने क्या किया पी से फोर्टी एम एल पी लिया पानी तो so, रेशियो क्या हो गया अब थर्टीन इज टू ट्वेंटी का ठीक है नाउ अब हम क्या करते हैं बाई यूजिंग दिस फॉर्मूला हम यहाँ से क्यू की वैल्यू को फाउंड आउट करते हैं और उसको हम इसमें पुट करेंगे ठीक है एक तो तरीका ये है या तो आप यहाँ पे हिट एंड ट्रायल कर सकते हो इट्स अप टू यू ठीक है दोनों ऑप्शन है तो अगर हम यहाँ से चेक करें तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो क्यू विल बी इक्वल टू फोर पी डिवाइडेड बाई थ्री नाउ दिस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर दें तो इट बिकम्स यहाँ पे लिखती हूँ

थर्टीन मल्टीप्लाइड विथ फोर पी यहाँ से फोर से अगर हमने इसको किया तो यहाँ क्या हो जाएगा फाइव मीन्स फिफ्टीन पी माइनस सिक्स हंड्रेड इक्वल टू थर्टीन पी एंड पी एंड पी को एक साइड दे के जाएंगे थर्टीन पी इज इक्वल टू सिक्स हंड्रेड तो यहाँ क्या आएगा टू पी इज इक्वल टू सिक्स हंड्रेड मींस पी इज इक्वल टू सिक्स हंड्रेड डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू थ्री हंड्रेड मींस की एट इन स्टार्टिंग जो पी में वॉल्यूम था वाटर का दैट इज 300 ऑप्शंस देख लेते हैं ऑप्शन सी इज करेक्ट क्वेश्चन अ कंपनी मेक अ प्रॉफिट ऑफ 95 मिलियंस 64000 560 इन फाइनेंशियल ईयर 2020 21 व्हाट इज द न्यूमरल फॉर्म ऑफ दिस तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज इंटरनेशनल नंबर सिस्टम जिसमें हमारा क्या होगा क्या हो जाएगा 95 मिलियंस अब 64, थाउजेंड है है नहीं है है नहीं कि ये हो जाएगा 064, ठीक है, 064, फिर क्या राइट ऑप्शन बी इज द करेक्ट द टोटल कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग रूम इज रुपी टू थाउजेंड वन हंड्रेड सिक्सटी द रेट ऑफ फ्लोरिंग इज रुपी फोर्टी फाइव पर स्क्वायर मीटर इफ द रूम इज एट मीटर लॉन्ग देन फाइंड द ब्रेथ ठीक है हमें बी फाइंड आउट करनी है कॉस्ट इतनी थी पर स्क्वायर मीटर इतनी थी मीन्स की एर अगर हम इस कॉस्ट को फोर्टी फाइव से डिवाइड कर दें तो हमें एरिया मिल जाएगा तो हम डिवाइड कर देते हैं हमारे पास नंबर क्या है टू वन सिक्स जीरो डिवाइडेड बाई फोर्टी फाइव तो डायरेक्टली फोर्टी फाइव से डिवाइड करने से बैटर इसको सिंप्लीफाई कर लें तो फाइव से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा फोर थ्री टू आप रफ में कर सकते हो फोर थ्री टू और यहाँ क्या 9. अब थोड़ा हो गया अब 9 से डिवाइड करके देख लेते हैं 9 से डिवाइड करते हैं, अगर इसको हम तो क्या आएगा सेवन ऊपर से लिया टू नाइन एट जावेंटी टू सेवनटी टू ठीक है मीन्स की एरिया क्या हो गया फोर्टी एट स्क्वायर मीटर नाउ अब हमें एरिया मिल गया फॉर्मूला क्या होता है एरिया का एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी इज इक्वल टू फोर्टी एट ठीक है एंड यहाँ पर लेंथ लेंथ दे रखी है इज इज बी इक्वल टू हमने कैलकुलेट किया तो बी विल बी इक्वल टू फोर्टी एट डिवाइडेड बाई एट इज इक्वल टू सिक्स मीन्स डी इज द राइट ऑप्शन अमन अपीय फॉर एन एग्जाम विच कंसिस्टेड ऑफ फिफ्टी क्वेश्चन कितने क्वेश्चन है फिफ्टी लाइक योर पेपर फाइव मार्क्स आर रिवार एवरी करेक्ट आंसर करेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स मिलेंगे फाइव टू मार्क्स आर डिटेक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर रोंग आंसर के लिए कितने डिडक्ट होंगे टू मार्क्स एंड नो मार्क्स आर गिवेन फॉर द अन अटेम्प्टेड क्वेश्चन जो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हुआ उसके लिए ना मार्क मिलेगा और ना कटेगा ठीक है

सेक्शन सबसे ज्यादा वेटेज होती है नाउ सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन हमें इनकरेक्ट ऑप्शन ढूंढना है टू लाइंस आर परपेंडिकुलर इफ दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल दिस इज करेक्ट अगर टू लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं और 90 डिग्री फॉर्म करती हैं तो दीज लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर ट्रू है दिस इज अ क्लोज कर्व यस दिस इज अ क्लोज कर्व थ्री और मोर पॉइंट्स आर सेट टू बी कोलीनियर इफ दे लाइ ऑन अ सेम लाइन मींस कि अगर एक ही लाइन है एक ही लाइन है और उस पे कुछ पॉइंट्स हैं तो दीज आर कोलीनियर दिस इज आल्सो ट्रू मींस कि सारे ऑप्शन ही करेक्ट हैं तो इन करेक्ट तो कोई भी नहीं है तो नन ऑफ दीज सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन इन सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन इट टेक्स 90 मिनट टू वॉश 20 व्हीकल्स 90 मिनट्स में कितनी व्हीकल साफ होते हैं 20 एट अ कार वॉश कार वॉश की शॉप पे एट दिस रेट हाउ मेनी मिनट्स विल इट टेक टू वॉश फाइव व्हीकल्स अगर उसे फाइव व्हीकल्स को वॉश करना है तो कितना टाइम लगेगा तो सिंपल है कि हम क्या करेंगे नाइन्टी मिनट्स में वो ट्वेंटी व्हीकल्स को करता है तो एक व्हीकल को कितनी देर में करेगा नाइन्टी बाई ट्वेंटी और हमें कितने का टाइम चाहिए फाइव का तो फाइव से मल्टीप्लाई किया क्या किया नाइन्टी से ट्वेंटी को डिवाइड किया तो हमें टाइम मिल गया एक कार को वॉश करने का या एक व्हीकल को वॉश करने का हमें करनी कितनी है फाइव तो हमने मल्टीप्लाई किया विथ फाइव नाउ फाइव से ट्वेंटी को डिवाइड किया तो हमें क्या मिला फोर यहाँ क्या है नाइन्टी अब टू से डिवाइड किया तो यहाँ आएगा फोर्टी फाइव और यहाँ आएगा टू अब टू से अगर हम फोर्टी फाइव को डिवाइड करें तो हमें क्या मिलेगा इफ फोर्टी फाइव इज डिवाइडेड बाई टू 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 जा फोर सॉरी फोर माइनस किया यहाँ क्या आएगा जीरो ऊपर से आया फाइव टू टू जा फोर माइनस किया वॉट इज रिमाइंडर वन मीन्स ट्वेंटी टू होल वन बाई टू इतना टाइम लगेगा फाइव व्हीकल्स के लिए तो ऑप्शन देख लेते हैं हम इज टू ऑप्शन तो ए एंड डी में से कोई एक होगा तो अब हमारा बी एंड सी तो खत्म हो गया अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है द रेशियो ऑफ मंथली पॉकेट मनी ऑफ मानव टू रूपांशु इज नाइन इज टू फोर मीन मानव एंड रूपांशु की पॉकेट मनी जो है उसका जो रेशियो है दैट इज नाइन बाई फोर ठीक है फ द मंथली पॉकेट मनी ऑफ मानव इज सिक्स हंड्रेड थ्री मान लो मानव की क्या हो गई सिक्स हंड्रेड थ्री तो हमने यहां लिखा सिक्स हंड्रेड थ्री और देन फाइंड द मंथली पॉकेट मनी ऑफ रूपांशु हमें रूपांशु की फाइंड आउट करनी है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो ये क्या हो जाएगा नाइन इंटू रूपांशु इज इक्वल टू सिक्स जीरो थ्री इंटू फोर ठीक है ये हो गया नाउ अब हमें रूपांशु की चाहिए तो हम क्या करेंगे रूपांशु इज इक्वल टू सिक्स जीरो थ्री इंटू फोर डिवाइडेड बाई नाइन पहले हम मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर सकते थे बट आई विल प्रीफर कि पहले हम इसको सिंपलीफाई करें नाइन से सिक्स हंड्रेड थ्री को डिवाइड करना इज मोर इजी नाइन से अगर हम सिक्स हंड्रेड थ्री को डिवाइड करेंगे नाइन सिक्स जब

फिफ्टी टू एंड सिक्सटी फोर लीव्स सेवन एज रिमाइंडर इन ईच केस इज पी ठीक है चलो अब हमें इसमें क्या करना है हम इनका एल्सियम लेंगे एंड देन उसमें सेवन को ऐड कर देंगे ठीक है तो एल्सियम लेते हैं हमारे नंबर्स क्या होंगे ट्वेंटी सिक्स फिफ्टी टू एंड सिक्सटी फोर चलो एल्सियम लिया यहाँ आएगा थर्टीन यहाँ आएगा ट्वेंटी सिक्स यहाँ आएगा थर्टी टू अगेन टू से डिवाइड किया थर्टीन थर्टीन वन सिक्स अगेन टू से डिवाइड किया थर्टीन थर्टीन ऐट अगेन टू से डिवाइड किया थर्टीन थर्टीन फोर अगेन टू से डिवाइड किया थर्टीन थर्टीन टू अगेन टू से डिवाइड किया थर्टीन थर्टीन वन और थर्टीन ठीक है तो व्हाट इज़ द एलसीएम सी एम टू टू जा फोर फोर टू जै एट एट टू जिक्सटीन सिक्सटीन टू जटी टू थर्टी टू जाोर मल्टीप्लाइड विद थर्टीन सिक्सटी फोर मल्टीप्लाइड विद थर्टीन इज इक्वल टू थर्टीन फोर जा फिफ्टी टू फिफ्टी टू की क्या है टू पावर आई फाइव थर्टीन सिक्स जा सेवनटी एट सेवनटी एट प्लस फाइव क्या हो जाएगा सेवनटी एट प्लस फाइव इज़ एट्टी एंड क्या था तो 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 ऐड किया व्हाट द करेक्ट स्टिल हम सेकेंड केस भी चेक कर लेते हैं सेकेंड में फोर आना चाहिए लेट सी वट इज द क्वेश्चन द लीस्ट नंबर दैट शुड बी गिवेन टू एस्ट्रिक साइन सो दैट द नंबर दिस नंबर इज डिजेबल बाई नाइन तो हम सिंपल वी नो कि कोई भी नंबर नाइन से डिवाइजेबल कब होता है इफ ऑफ ऑफ ऑल डिजिट्स तो वो 9 होगा तो हम इनका सम करते हैं तो हमारा सम क्या होगा नाइन प्लस फाइव प्लस टू प्लस सिक्स प्लस दिस एस्ट्रिक साइन ठीक है ठीक है नाइन प्लस वन टेन टेन प्लस फाइव फिफ्टीन फिफ्टीन प्लस टू इज सेवन सेवनटीन प्लस सिक्स इज ट्वेंटी थ्री अब ट्वेंटी थ्री में हम क्या ऐड करें फोर ऐड करेंगे तो ट्वेंटी सेवन मिलेगा मीन्स कि दिस साइन इज फोर तो हमारा ऑप्शन मैच कर गया जो भी मैंने आपको बताया ही था मीन्स कि डी इज द राइट ऑप्शन नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन मनीष बाउट टोटल सिक्सटी नोट फॉर हिज टू चिल्ड्रंस मनीष ने अपने दो बच्चों के लिए सिक्सटी नोटबुक खरीदी इफ ही गेव टू थर्ड ऑफ द टोटल नंबर ऑफ नोटबुक टू हिज डॉटर उसने अपनी डॉटर को कितनी दे दी टू थर्ड मीन सिक्सटी इंटू टू बाई थ्री थ्री से किया ट्वेंटी इज इक्वल टू फोर्टी फोर्टी बुक्स उसने अपनी डॉटर को दे दी एंड रिमेनिंग टू हिज सन देन हिज सन गॉट ट्वेंटी ऑब्वियस है सिक्सटी थी टोटल फोर्टी उसने डॉटर को दी तो ट्वेंटी अपनी सन को दी मीन्स की फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू ठीक है नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें सेकेंड स्टेटमेंट इज राहुल रीड्स पेजेस आउट ऑफ पेजेस ऑफ द बुक ही स्टिल नीड्स टू रीड फोर बाई ऑफ बुक चलो रेशियो में फाइंड आउट करना है रिमेनिंग पेजेस का तो उसने रीड कितनी करनी थी सिक्स फाइव रीड कितनी कर ली थ्री एट जीरो वॉट इज दट डिफरेंस फाइव सिक्सटीन से एट गए एट फाइव से थ्री गए टू नाउ 285 एंड सिक्स सिक्स फाइव का रेशियो जो होना चाहिए फोर बाई फाइव तो ये तो होगा नहीं क्योंकि यहां फाइव है तो किसी भी मल्टीपल में फोर्थ टर्म पे फाइव तो नहीं आता स्टिल इफ यू वांट टू चेक तो आप चेक भी कर सकते हो फर्स्ट हमने फाइव से डिवाइड किया फाइव फाइव ट्वेंटी फाइव फाइव सेवन जी थर्टी फाइव यहाँ पे किया फाइव वन जा फाइव फाइव थ्री एंड फाइव थ्री जिन्ह ठीक है नाउ अगेन इसको अगर हम फर्दर डिवाइड करते हैं पॉसिबिलिटी ही नहीं है मीन्स कि सेकेंड इज फॉल्स ठीक है तो बहुत क्या हो जाएगा स्टेटमेंट वन इज ट्रू बट स्टेटमेंट टू इज फॉल्स मीन्स सी इज द राइट ऑप्शन नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द गिवन स्टेटमेंट केयरफुली एंड स्टेट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स इफ टेन इज एडेड टू थ्री टाइम्स ऑफ स्मॉलेस्ट होल नंबर देन द नंबर ऑफ इज टेन एक्चुअली स्मॉलेस्ट होल नंबर इज ज़ीरो अगर उसका हम थ्री टाइम्स लेते हैं दैट विल बी जीरो और उसमें हम टेन ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा टेन जीरो प्लस टेन इज टेन तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है द प्रोडक्ट ऑफ सक्सेसर एंड प्रोड्यूसर्स ऑफ वन इज टू सक्सेसर क्या हो जाएगा वन प्लस वन इज इक्वल टू टू एंड प्रोड्यूसर्स क्या हो जाएगा वन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो नाउ प्रोडक्ट ऑफ टू एंड जीरो विल बी इक्वल टू जीरो दिस इज फॉल्स नेक्स्ट तो द वैल्यू ऑफ वन हंड्रेड फाइव मल्टीप्लाइड विद इलेवन माइनस इलेवन इन टू वन जीरो फाइव इज जीरो तो दिस इज करेक्ट पोजिशन चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता प्रोडक्ट वैल्यू सेम आएगी और सेम को सेम से माइनस करेंगे तो हमें जीरो मिलेगा मीन्स दिस इज ऑल्सो ट्रू नाउ ऑप्शन देखते हैं ट्रू फॉल्स ट्रू मीन्स की ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दी होप यू लाइक दिस वीडियो इफ यू हैव एनी डाउट और हमारे आंसर मैच नहीं कर रहे हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हो थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टे कनेक्टेड